माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और लजीज मटन बिरयानी आज हमने तैयार की है। वीडियो को एंड तक देखें और मज़ेदार मटन बिरयानी बनाना सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीकर्स के साथ। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार मटन बिरयानी तैयार करेंगे। मेरी यूट्यूब पर यह पहली वीडियो है। इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद आप खुद से घर पर बआसानी मटन बिरयानी तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम मटन बिरयानी तैयार करने का तरीका जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 kg मटन लिया था जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। 2 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। गरम मसाला इसके अंदर मैंने लिए हैं 2 बड़ी इलायची के पीस, 4 छोटी इलायची के, 4 लौंग, 8 से 10 दाने काली मिर्च के हैं और 1 चम्मच जीरे का, 3 पीस दार चीनी के लिए हैं। ठीक, और इसके साथ ही 3 अदद कटे हुए टमाटर, 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे। और 10 मिनट के लिए इसको कुकर में बॉईल कर लेंगे। जी नाज़रीन, 10 मिनट हो चुके हैं, मटन हमारा बॉईल हो चुका है। टमाटर के छिलके हम अलहदा कर लेंगे। टमाटर के छिलके हम अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे। जी नाज़रीन, मटन हमारा बॉईल हो चुका है। इसके बाद कुकिंग ऑयल डालेंगे, मैंने 1 कप डाला है। दो दर्द प्याज लिए हैं, अब हम इसको ब्राउन कर लेंगे। 1 kg चावल लिए हैं जिसको मैंने भिगो दिया है। 1 प्याज को हम अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे। 4 चावलों को मैंने अच्छे तरीके से धो के 1/2 घंटे के लिए भिगो दिया है। 1 kg मटन है और 1 kg ही मैंने राइस लिए हैं। प्याज के ब्राउन होने तक हम उतनी देर में चावल बॉईल कर लेंगे। चावलों को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और 1/2 घंटा पहले भिगो के रख लिया था। नमक का हिसाब आप लोग रख लीजिएगा, मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाला है चावलों के अंदर। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, इसमें से हम थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे। थोड़ा सा प्याज मैंने निकाल लिया है। अब इसमें हम मटन डाल देंगे जो कि हमने पहले बॉईल कर लिया था। प्याज को हम ग्राइंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। टमाटरों के छिलके हमने उतार लिए थे जिससे जो है मसाला वो बहुत ही अच्छा बनता है।
नाज़रीन हमारी पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा, कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना कीजिएगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। एक टेबलस्पून नमक लिया है, एक टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, एक टेबलस्पून हल्दी का है और दो टेबलस्पून बिरयानी मसाले का है। मसाले को दो से तीन मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। हाफ कप इमली का पानी डाल दिया है मैंने। एक कप दही डाल देंगे। दो दर कटे हुए लेमन, हरी मिर्च मैंने साबुत ही ले ली है, आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके भी या कि इसके छोटे पीसेस करके भी डाल सकते हैं। पाँच से दस मिनट में हमारा ये जो मसाला है वो तैयार हो जाएगा। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, अब हम चावलों के अंदर मसाले की तह लगाएंगे। तो नाज़रीन नीचे हम चावलों की एक तह लगा लेंगे। इसके ऊपर एक तह सालन की लगा लेंगे, जो कि हमने मटन का मसाला जो है वो तैयार कर लिया है। अब हम बाकी भी जो चावल हैं उसके ऊपर उसकी एक तह लगा देंगे। इसके बाद हम उसके ऊपर फूड कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे। और जो बाकी साधन बचा हुआ है मसाला वो भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। प्याज जो हमने ब्राउन किया था ये भी इसके ऊपर हम लगा देंगे। मेन जो चीज़ है वो है हरा धनिया और पुदीना, वो भी हम इसके ऊपर हरा धनिया और पुदीना दम से पहले इसके ऊपर लगा देंगे और इसको 10 मिनट के लिए अब हम दम लगा देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे और फ्लेम जो है वो फुल लो कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और लजीज मटन बिरयानी आज हमने तैयार की है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारी मटन बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है। और देखें माशाल्लाह से चावल भी कितने मज़ेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही गुड लुकिंग बिरयानी तैयार हुई है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप लोग भी घर पर तैयार करें और कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि कैसी तैयार हुई। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।